वेलकम बैक गाइस ऑन सेट यूबर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्यारे पॉलीगन के बारे में। प्यारा होगा किसी का, हमारा नहीं। पॉलीगन जो पोकेमोन है वो अबाउट 20 ईयर्स पहले हमारा पॉलीगन बैन हो चुका था। उसका पूरा एपिसोड ही बैन हो चुका था, इस कारण से कभी ऑफिशियल हो ही नहीं पाया एनिमे में ये। अब 78 एपिसोड जो होने वाला है पोकेमोन जर्नीस का, उसमें फाइनली 20 साल बाद पॉलीगन का रिटर्न हो सकता है। आपको याद ही है जो हमारा पॉलीगन का डेब्यू था, उस एपिसोड का नाम था कंप्यूटर वॉरियर पॉलीगन। इस एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग, फ्लैशिंग और काफ़ी अलग अलग टाइप की अनयूजुअल चीज़ें थी जो कि आसानी से ट्रिगर कर सकती थी, और उससे काफ़ी सारे बच्चे हार्म भी हुए थे जापान में। तो इस कारण से उस एपिसोड को बैन कर दिया गया था। क्या पता हमारे पॉलीगन का फेट चेंज हो जाए और वो सच में आ जाए। सच में क्या आना, ये अंदर से लीक्स आई है, हम उस लीक्स के बारे में बात करेंगे। तो एनीपोक ने पोस्ट किए हैं एपिसोड 78 और 79 के बारे में कुछ, तो चांसेस ये हो सकते हैं, मतलब पूरा एपिसोड इनडायरेक्टली लीक हो चुका है कि जो हमारा पॉलीगन है वो रिटर्न करेगा। एक एक करके हम बात करेंगे कि बात क्या है आखिर, कि क्या चांसेस हैं, क्या थ्योरीज हैं कि हमारा पॉलीगन वापस आएगा। सबसे पहले बता दूं जो पोकेमोन डाटा रहेगा, जो कि सतोशी यानी कि हमारा एस केचम और गो, जो कि एक साथ रिसर्च पे रहेंगे, इस कारण कि जो लेबोरेटरी का जो कंप्यूटर रहेगा उसका जो डाटा रहेगा, जो मेन डाटा रहेगा, वो एक्सेस नहीं हो पा रहा, यानी कि चल नहीं पा रहा। तो और बता दें कि कुछ एक वो लोग जाएंगे जोटो लीग में, हाँ, यानी कि जोटो लीग में जाने वाला है हमारा एस केचम और गो। और जोटो लीग में जाने के बाद वहाँ पर एक इक्लिप्स कैसल नाम की जगह है, वहीं पर ये सब चीज़ें होने वाली है। अब आगे का आपको पता लगाने के लिए हमें तो अब एपिसोड नंबर 78 और 79 का वेट करना पड़ेगा। अगर जरा सा भी लीक्स आती है कि क्या होगा तो मैं आपको जरूर से ज़रूर बता दूंगा। तो बिना किसी देरी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। ऐसी अगर न्यूज़ चाहिए तो बाय।